हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रियंका। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया हिंदी में। स्टॉक आइडिया हिंदी में आपको आईपीएस रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको दी जाती है। इसी में एक इन्फॉर्मेशन है जो कि सेबी का बहुत अच्छा फैसला आया है, आप सबके फेवर में, आप सबके लिए अच्छा है। तो जानते हैं क्या है सेबी का रूल। इसके पहले आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो इसमें जो है पेटीएम का, अभी कुछ टाइम पहले ही आपने पेटीएम का देखा था, आईपीओ आया था। तो आईपीओ आने पे आईपीओ ने काफ़ी ओवर सब्सक्रिप्शन होते हुए दिखा था, लेकिन जो है आईपीओ आने के बाद कुछ टाइम बाद आज तक कंपनी ने रिटेलर को 78 जो पॉइंट का, और अभी तक काफ़ी भारी भरकम लॉस दिया है। इस आईपीओ से रिटेलर को काफ़ी ज़्यादा, रिटेलर को क्या, इन्वेस्टर को ही काफ़ी जो है नुकसान झेलना पड़ा था। इस वजह से इसमें के जो है 2100 के ऊपर इश्यू प्राइस रखा गया था, लेकिन इस समय का ये 510 का लो बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा रिटेलर यहाँ ट्रैप हुए हैं। और एनआई की देखें 2.2 का सब्सक्रिप्शन आया था, रिटेलर 0.64 था, जो काफ़ी सब्सक्रिप्शन यहाँ देखने को मिला था, ओवर सब्सक्रिप्शन होते हुए दिखाई दिया था। टोटल की बात करें 1.33, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन यहाँ देखने को मिला था जो है, जो कि काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन था। उसके बाद भी यहाँ पे जब ये आया आईपीओ, आईपीओ आने के बाद जब लिस्ट हुआ, लिस्ट होने पे ये 2100 को इशू प्राइस रखा गया था, लेकिन इसने अभी करंट में 510 का लो बनाया बनाते हुए दिखी थी। काफ़ी अच्छी गिरावट देखने मिली, जो कि रिटेलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या पे यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, जो कि रिटेलर के लिए बहुत दुख की बात है। रिटेलर के क्या, ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैप हुए और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी सब को देखते हुए सेबी एक रूल ले आई है, लेकिन इसी के बीच में मैं आपको एक दो इन्फॉर्मेशन और बताना चाहूँगी। एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं, इसके नेक्स्ट की बात करते हैं, लाइफ एलआईसी। एलआईसी का जब से लिस्ट हुआ, ये भी एलआईसी का जब से आईपीओ आया था, तब से 26% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न इसने अपने ट्रेडर को दिया है। अभी तक लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके आईपीओ में भी बहुत ज़्यादा भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। आज की अगर बात करें, अगर जोमेटो की नेक्स्ट एग्जाम्पल, जोमेटो भी जब लिस्ट हुआ था इसमें भी सब्सक्रिप्शन अच्छा दिखा, लेकिन इसको तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे, इसमें तो हमेशा ही जो है अभी तक गिरावट देखने को मिली रही है। जब मार्केट अच्छा होता है तभी थोड़ा मूव दिखता है, वरना इसमें लगातार गिरावट है, जो कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा रिटेलर ट्रैप हुआ और उनका भारी भरकम लॉस होते हुए दिखा है। इसे एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं, इसलिए मैं इतना एग्जाम्पल दे रही हूँ, चाहे आपको सेबी का रूल समझ में आए कि सेबी ने अपने रूल को क्यों लाया है, लेकिन वो रूल जो आए हैं वो आपके फेवर में, आपके लिए अच्छे हैं। तो यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल लो लिया है, कार ट्रेड का लिया है जो है, इसका भी जब आईपीओ आया था, तो इसके आईपीओ जब आया था 1500 का इशू प्राइस रखा गया था, लेकिन करंट में आप देखिए 638 पे ये ट्रेड हो रहा है, लेकिन आज से 38 पे ट्रेड हो रहा है, जो कि इसने अपना लो 460 का इसका लो बनाते हुए देखने को मिली थी। जब से आईपीओ आया तब से 57% से ज़्यादा का रिटर्न इसने नेगेटिव में दिया है। इसलिए सेबी का जो नया रूल है उसके बारे में जानते हैं। सेबी, इसके पहले आप जानते हैं, जब भी कोई आईपीओ आता है उसको अपना अपने लिए एक लीड मैनेजर, बैंकर लीड मैनेजर रखना होता है। उसके बाद लीड मैनेजर एंकर के आने के बाद एंकरर आते हैं। एंकरर के आने के बाद जो है आईपीओ के लिए DRHP फाइल की जाती है सेबी के पास, सेबी उसको अप्रूव करता है। उसके बाद आपको मार्केट में आईपीओ आता हुआ दिखाई देता है। इसी के बारे में सेबी ने बोला है कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन का डेटा दिखाते हैं उस पर सेबी ने सख्त कानून ले आई है। सेबी ने बोला है कि जो वास्तव में जो रियल में जो वैल्यूज उसी को दिखाना, बहुत सारे होते हैं जो ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं और जो इशू प्राइस उसको ज़्यादा दिखाते हैं। इसी पर सेबी ने सर्कुलर जारी किया कि रेगुलेटर आईपीओ के आवेदन सभी प्रोसेस किया जाएगा जब उसके फंड निवेशक के बैंक खाता में उपलब्ध होंगे। सेबी ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज अपने इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पर तभी ASBA आवेदन स्वीकार करेगा जब उसका अप्लीकेशन जो है कंफर्म हो जाएगा। ये सारे जो रूल हैं उसके सारे रूल को मान लिया जो जाएगा, है तभी आईपीओ लाने सेबी वाली कंपनी उस उनके सारे आईपीओ को रूल को अप्रूवल फॉलो कर। करेगी, तभी उनके सब्सक्रिप्शन के लिए, उनके सॉरी उनके आईपीओ मार्केट में लाने के लिए उनको अलाउ किया जाएगा, वरना उनको रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ ही और भी सेबी ने कुछ चेंजेस किए हैं। सेबी को पता चला कि कई बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन दिखा के आईपीओ को जो है वो क्या कहते हैं, आकर्षित कहते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आईपीओ में पैसा नहीं लगाते हैं, जिससे आईपीओ में ASBA फाइल करने, एप्लीकेशन सपोर्ट बाई ब्लॉक्ड अमाउंट फ्रेमवर्क होती है, इससे शॉर्ट अलर्ट होने के बाद ही खाते में पैसे कटते हैं, लेकिन तब तक शेयर अलर्ट नहीं होते, तब तक अकाउंट में पैसे रहते हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। इसी तरह सेबी के कई सारे, सेबी को चीज़ें जो पता चली हैं, ये जो है रूल 1 सितंबर 2022 से सेबी लागू करने जा रही है, जो कि आपके फेवर में है। जब चीज़ें रियल में होंगी, जो रियल में डेटा दिखाया जाएगा उस पर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आप पे चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, तो आपके ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आप सोच सकते हैं उस आईपीओ में जाना है कि नहीं जाना है। ये सेबी का रूल जो आया है आप सबके लिए एक
जो है मोटिवेशन का क्या, आप सबके लिए एक बोलते हैं ना कि एक अमृत है, क्योंकि आप जब अपना पैसा बचाते हैं तो आपके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा होता है। आप कहीं भी आईपीएम अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता, या अलॉटमेंट मिलता है तो वो फिर गिरावट में होती है, तो आपका नुकसान होता है। यहाँ पे आप जब पूरी चीज़ें ट्रांसपेरेंट क्लियर रहेंगी तो आप उस एक आईपीओ में जाने के पहले सारी चीज़ों को जान के फिर जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ वीडियो इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। फ्रेंड, नीचे अगर इस सब के आईपीओ के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। और आप मुझसे किसी जो है सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मेरे टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, वहाँ ज्वाइन करके आपको सारी चीज़ें वहाँ मिलती रहती हैं। उसके बाद, अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप नए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जो जिसका मैं खुद भी यूज करती हूँ, अपस्टॉक का। आप वहाँ से अपना अकाउंट खोल सकते हैं और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इस आर्टिकल को पढ़ना हो तो मेरे वेबसाइट पे भी जाके आप रीड कर सकते हैं। फ्रेंड, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो को पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।